मध्य प्रदेश में औद्योगिक प्रगति के लिए प्रदेश सरकार क्षेत्रीय स्तर पर लगातार रीजनल इंडस्ट्री कंक्लेव करा रही है। अब ये कंक्लेव 28 अगस्त को ग्वालियर में होने जा रहा है। अंचल के औद्योगिक विकास को बूस्टर डोज देने के लिए देश और दुनिया भर के औद्योगिक प्रतिनिधि और निवेशक ग्वालियर पहुंच रहे हैं। सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का मकसद है कि प्रदेश के कोने कोने से औद्योगिक निवेश हो और लोगों को रोजगार मिलने के साथ विकास और तरक्की के रास्ते खुले। सरकार का पूरा ध्यान प्रदेश के आर्थिक विकास के साथ ग्वालियर चंबल अंचल के कोने कोने को तरक्की की मुख्य धारा से जोड़ना है। लगातार औद्योगिकरण की दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं और खास करके संभाग में जा करके औद्योगिक निवेश को लेकर के इंडस्ट्री रीजनल कॉन्क्लेव कर रहे हैं और इसका जो प्रतिसाद मिल रहा है वो बहुत अच्छे से मिल रहा है। पहले उज्जैन, फिर जबलपुर, कल ग्वालियर में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है और जिस प्रकार से अभी तक निवेशकों का और रोजगार की अगर बात करें बड़ी उत्साहजनक समाचार के साथ ये इंडस्ट्री का एक तरह से यज्ञ देखा जा रहा है। मैं इसके बाद में उम्मीद करूँगा जब सागर और रीवा की होगी और आखिरी फरवरी में हमारी ग्लोबल भोपाल में होने वाली है, तो जिस प्रकार से पूरे देश के उद्योगपतियों ने अभी अचारपुरा से मैं लौटा हूँ, अचारपुरा में हमारी ओबेट ग्रुप रुद्र चटर्जी और जर्मनी की कंपनी ने मिलकर के एक इंडस्ट्री की शुरुआत की है जो लगभग 125 करोड़ का निवेश कर रही है। और ये भी और जानकारी के लिए आनंद की बात है कि वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट अभी तक पूरे देश में कहीं नहीं बनता था, बच्चों के डायपर के लिए अंदर लगने वाली सामग्री, और ये आमतौर पर चाइना से ही निर्यात होती थी, ऐसे में हमारे देश के अंदर बन रही है। और जैसा उनने जार्ज ने मेरे से कहा है